हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 2024 के अंदर जर्मनी आ रहे हैं तो आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे एज ए स्टूडेंट। मुझे तकरीबन एक साल हो गया यहाँ पे रहते हुए, तो थोड़ा बहुत आइडिया जो कि मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरा आज एक और पार्सल घर आके वापस चला गया, तो आज हम वो भी लेने जाएंगे और मैं आपको ये सारी चीज़ें आज बताऊँगा। अगर आपने 2024 के अंदर जर्मनी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया तो आपको ये बात का तो आइडिया होगा कि ब्लॉक्ड अकाउंट का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है। पहले ब्लॉक्ड अकाउंट तकरीबन 10,300 कुछ यूरोस का था, अब है 11,208 यूरो का। जब भी ब्लॉक्ड अकाउंट बढ़ता है जर्मनी का, तो दैट मीन्स कि आपके मंथली एक्सपेंसेस भी जर्मनी के अंदर बढ़ जाते हैं। तो पहले आपको 860 या 70 यूरोस मिलते थे मंथली, अब आपको तकरीबन 930 यूरोस मिलते हैं अपने ब्लॉक्ड अकाउंट से। तो अब थोड़ा सा मैं आपको मोटे मोटे खर्चे बता देता हूँ और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं। मंथली एक्सपेंसेस का सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो आपका रेंट होता है, आपकी जो एकोमोडेशन होती है वो आपको कितने में मिली है और आप उसका कितना रेंट पे कर रहे हो। अब जो रेंट वाला हिस्सा है ना, वो आपके सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। लेट्स सपोज़ कि अगर आप किसी बड़े सिटी के अंदर रहते हो लाइक फ्रैंकफर्ट, बर्लिन या म्यूनिख के अंदर, तो वहाँ पे जो आपका रेंट होगा वो कंपैरेटिवली किसी छोटे सिटी से या किसी छोटे टाउन से वो बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। ये आप देख रहे हो कि ये सारा जो सामान है यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर आपको काफ़ी बार काफ़ी काम की चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे कि ये सोफ़ा है, लेकिन ये मैं अकेले नहीं लेके जा सकता। दूसरा ये है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये बेसिकली यहाँ पर इसलिए रखते हैं ताकि जिन्हें ज़रूरत है वो ले जाएं, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इसी तरीके से आपको मिल जाती है। लेकिन अगर बारिश हो जाए तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली वेगेस के अंदर रहते हैं, दैट मीन्स के शेयर्ड एकोमोडेशन के अंदर रहते हैं। वेगे शेयर्ड एकोमोडेशन को कहा जाता है, जिसके अंदर और भी स्टूडेंट्स मिल के एक ही अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं, जिसमें आपका अपना कमरा होता है। कुछ लोग शेयर्ड रूम में भी रहते हैं और कुछ लोग अपना ख़ुद का अपार्टमेंट भी लेते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे एकोमोडेशन के बारे में। तो आपको स्टूडियो अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं, वेगेज भी मिल जाते हैं, और रूम्स भी बेसिकली कहीं पे मिल जाता है। अब अगर आप यूनिवर्सिटी की किसी एकोमोडेशन में रहते हो तो उसके जो कंपैरेटिवली चार्जेस होते हैं, जो रेंट होता है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो एकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करती हैं या स्टूडेंट एकोमोडेशन जो होती हैं उनके अंदर एक वार्म रेंट होता है जो कि आप देते हो, और हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूड होती है। लेट्स सपोज़ अगर आपका 350 या 400 वार्म रेंट है तो उसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, यूटिलिटीज़ हर चीज़ इंक्लूड होगी और वो फर्निश भी होंगे। कुछ स्टूडेंट एकोमोडेशन के अंदर इंटरनेट इंक्लूड नहीं होता, तो आपको खुद डिवाइस लेनी होती है और ख़ुद लगाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा सीन होता है। अब मान के चलते हैं कि अगर आपका रेंट तकरीबन 400 यूरो है किसी छोटे सिटी या टाउन के अंदर, तो आपकी 200 यूरोस जो हैं वो ग्रॉसरी के अंदर लगेंगे, और आपका तकरीबन 130 यूरो, 125 यूरो या तकरीबन 140 यूरो आपका इंश्योरेंस का जाएगा, जो जाएगा ही जाएगा और आपने देना ही देना है। उसके साथ साथ 18 यूरो एक रेडियो बिल होता है, जो कि आपने यहाँ पे रेडियो टैक्स देना होता है और वो लाजमी देना हो, तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और ये जो चार्जेस हैं ये मैंडेटरी चार्जेस हैं, ये आपने देने ही देने हैं, ये एक्सपेंसेस आपके होंगे ही होंगे यहाँ पर आने के बाद। तो अब तक जो आपका ख़र्चा हो गया है वो तकरीबन 600 यूरो क्रॉस कर चुका है, और 650 मान लेते हैं। अब आपने सिम भी लेनी है यहाँ पर, और नेक्स्ट सेमेस्टर से तो वैसे सेमेस्टर टिकट के अंदर आपका डॉयचलैंड टिकट होगा, तो आपको डॉयचलैंड टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो सिम का खर्चा होगा वो आपके पैकेज पर डिपेंड करता है। मेरा जो खर्चा था पहले वो तकरीबन 8 यूरो था, अब मैं तकरीबन 15 यूरो एक सिम के पे कर रहा हूँ, और एक और सिम मैंने ली हुई है वो पोस्टपेड सिम है, तो उसके चार्जेस थोड़े से डिफरेंट हैं। तो क्योंकि इंटरनेट मेरा यूजेज ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने 2 सिम्स रखी हुई, और सिम का मेरा खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है।
अब इसी के साथ साथ हर 4 से 5 महीने के बाद आपको अपनी सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन देनी होती है। तकरीबन 300-400 यूरो वो जाती है, यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप बाटन वुटनबर्ग में आते हो जहाँ पे हाइडलबर्ग है, तो वहाँ पे सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन तकरीबन 1500 यूरो है। तो आपने ये भी एक माइंड में रखना है कि यार ये भी एक एक्सपेंस है जो आपने हर सेमेस्टर बेसिकली पे करना है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब सबसे बड़े खर्चे की, जो कि हमारी अकोमोडेशन है। एकोमोडेशन का सीन ये होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट एकोमोडेशन आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलती है, और अगर वो आपको मिल जाती है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 6 महीने, साल या 1.5 साल का होता है, जब तक आपकी डिग्री चल रही होती है। आई थिंक सो, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एकोमोडेशन नहीं मिली है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि आपको कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 साल तक का या 1 सेमेस्टर तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अब सीन ये है कि मैंने तकरीबन पिछले साल के अंदर कोई 4 अकोमोडेशन बदली हैं, और उसका रीज़न ये था कि पहले मैं वनोविया में रहता था डीबर्ग के अंदर, तो डीबर्ग के अंदर यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ भी नहीं था, तो इस वजह से डीबर्ग से निकल के मैं डार्मस्टर्ड आया। डार्मस्टर्ड में पहले एक रूम में रहा जो कि मुझे समझ नहीं आया, तो 1 महीने के बाद मैंने पहले वहाँ से एक सबलेट लिया तकरीबन 5 महीने का, और फिर डार्मस्टर्ड से मैं ऑफनबाग फ्रैंकफर्ट आ गया। लेकिन अब जो नेक्स्ट मंथ है वो मेरा सबलेट ख़त्म हो रहा है, तो मुझे एक और अपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा और वहाँ मुझे मूव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी आपने देखनी होती हैं, और डिपॉज़िट वगैरह का मंजन होता है। आप जैसे जैसे आगे मूव होते रहोगे उसका डिपॉज़िट भी बढ़ता रहेगा, तो आपने ये सारी चीज़ें भी अपने माइंड के अंदर रखनी है। स्टूडेंट एकोमोडेशन के अंदर क्या होता है कि आपकी पर्सनल वॉशिंग मशीन या फिर ड्रायर नहीं होता, उसके लिए आपको बेसिकली पे करना पड़ता है जब भी आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो। तो एक कॉमन एरिया होता है जहाँ पे 2 से 4 वॉशिंग मशीन्स लगी हुई होती हैं, और वही सारे स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। अब उसके जो चार्जेस होते हैं वो तकरीबन 3 यूरो या 5 यूरो होते हैं, और अगर आप महीने में 2 दफ़ा यूज़ करो तो 10 यूरो आपके इस चीज़ के हो गए। और उसी के साथ साथ अगर आप ग्रूमिंग वगैरह करवाते हो, जाहिर सी बात है लड़के अपनी हेयर कट वगैरह करवाते हैं और लड़कियां जो भी अपनी ग्रूमिंग करवाती हैं, तो उसमें भी ख़र्चा होता है। तो हेयर कट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। समटाइम्स आपको यहाँ पे बियर्ड बनवाने के, हेयर कट करवाने के 20-25 यूरो भी देने पड़ते हैं। अब अगर आप महीने में 1 दफ़ा करवाते हो या 2 महीने में 1 दफ़ा करवाते हो, तो ये ख़र्चा भी आपने कैलकुलेट करके चलना है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अय्याशी की। अय्याशी इन अ सेंस कि अगर आप बाहर डाइनिंग करते हो या फिर आप हर महीने या हर हफ्ते कहीं घूमने जाते हो, तो उसमें कितना खर्चा लग जाता है। लेट्स सपोज आपके पास डॉयचे बान का टिकट है, तो आपकी जो ट्रैवलिंग कम्यूट है जर्मनी के अंदर वो फ्री है, तो आपने सिर्फ वहाँ रहने के, वहाँ खाना पीना करने के या कोई एक्टिविटी करने के पैसे देने हैं। तो अब वहाँ पर आप जाते हो, एक दफ़ा आप डाइनिंग करते हो, तो तकरीबन पर पर्सन 10 से 15 यूरो लग ही जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कोई एक्टिविटी कर लेते हो, लेट्स सपोज़ आप किसी ऐसी जगह गए हो जहाँ पर चेयर लिफ्ट वगैरह है, तो वो डिपेंड करता है कि वो कितने की है और आपको स्टूडेंट आईडी पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर वो 10-15 यूरो की वो एक्टिविटी हो जाती है, तो 25-30 यूरो आपके ऐसे ईजीली लग जाते हैं। और अगर आप पानी की बोतल भूल गए हैं, तो आपको 3 यूरो की पानी की बोतल भी मिल जाएगी, और आपको अगर बहुत ज़्यादा सुसू आता है तो उसके भी 50 सेंट और 1 यूरो आपको देना पड़ेगा। तो ये भी कुछ खर्चे। वैसे मैं कभी इस एरिया के अंदर आया नहीं हूँ, लेकिन हमारा जो DHL का पैकेट स्टेशन है वो सामने आपको एक छोटा सा बैनर दिख रहा होगा, वो है जहाँ पर हम जाके अपना पार्सल ज़रा ले लेते हैं। क्या थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और जी, तो हमें यहाँ पे हमारा पार्सल शरीफ मिल गया है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर, और तकरीबन कोई 15 मिनट की मैंने वॉक की है, तो अब जाने में भी इतना टाइम लगेगा। लेकिन खैर, ये सीन्स यहाँ पे चलते रहते हैं। आपके घर पर आके वो आपका पार्सल डिलीवर नहीं करते। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये क्या सीन है। खैर, तो आज हमने बात की मंथली एक्सपेंसेस के बारे में। अब अगर आप थोड़े से शौकिया मिजाज आदमी हो और आप क्लबिंग वगैरह करते हो, तो उसके अंदर आपके खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हो तो भी आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिगरेट का जो पैकेट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये एक सीन है अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हो
पैसे बचाने हैं तो फिर स्मोकिंग ख़त्म कर दो। ओके, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, आई डोंट नो व्हाई। फिलहाल सीन ये है कि हमें हमारा पार्सल मिल गया है और आज के इस वीडियो से आपको आई होप थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप जर्मनी का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं तो बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह आप ज़रूर यहाँ आएंगे और अपना मास्टर्स या बैचलर्स वगैरह कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो कर लें, इन सब पर मैं एक्टिव हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो बस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हसन शेख साइनिंग ऑफ, पीस आउट जी, बाय बाय।